नमस्कार, आप देख रहे हैं डे लाइव न्यूज और मैं हूं जगदीश। बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। खबर है डूंगरपुर के जिला हॉस्पिटल से। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर कोविड 19 हॉस्पिटल में अपनी अहम भूमिका निभाने वाली नर्सेज टीम ने मरीजों को पिलाया हल्दी का दूध। वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरे विश्व को परेशान करके रखा है, ऐसे में हॉस्पिटल में हमारी सुरक्षा का पूरा दायित्व डॉक्टर्स व नर्सिंग कर्मियों ने ले रखा है। वहीं आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के उपलक्ष्य में बंसीलाल कटारा के नेतृत्व में कोविड 19 हॉस्पिटल में मरीजों को हल्दी का दूध पिलाया गया। वहीं नर्सेज की टीम के द्वारा बताया गया कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, जब तक हम हैं हम आपके परिवार की तरह आपकी सुरक्षा करेंगे और आपको सुरक्षित हॉस्पिटल से ठीक करने के बाद आपके घर में भेजेंगे। यह लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी है। ऐसे में बंसीलाल कटारा ने यह भी कहा कि हमें प्रशासन की गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए अपने घरों में रहना है और सुरक्षित रहना है, ताकि हम, हमारा परिवार, हमारा समाज व हमारा देश सुरक्षित रहे। आज हम सब नर्सेस विश्व अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस मना रहे हैं। आज हमारे नर्सेस की जन्मदात्री फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन है और उनके अनुकरणीय कार्यों की वजह से हम पूरा नर्सेस समुदाय पूरे विश्व का आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आज इस कोरोना की ऐसी पैंडेमिक लहर में, द्वितीय लहर में भी हम नर्सिंग स्टाफ अपना सब कुछ, घर परिवार, हमारी सारी चीज़ें दांव पर लगाकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। आज चूँकि 12 मई है, आज हमने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को याद करते हुए, इनके किए हुए कार्यों को हमारे अनुसरण करते हुए, हम लोग इस कोविड बिल्डिंग में डूंगरपुर की जनता की तन मन धन से सेवा में लगे हुए हैं। उसी उपलक्ष्य में आज हमने जो गंभीर रूप से बीमार हैं, जिनको कोविड हुआ है, ऐसे मरीजों को हल्दी का जो दूध है वो गर्म करके हम हर मरीज को उठा के पिला रहे हैं, ताकि इसके कफ और खांसी में थोड़ी राहत मिले। मैं यहाँ के समाज सेवियों से, जनप्रतिनिधियों से आग्रह करूँगा कि जिस तरह से आप आ रहे हैं, जिसका आपका सहयोग मिल रहा है, हम नर्सेज को और यहाँ के बीमारों को आप इनकी ऊर्जा बढ़ाने में, इनको सहयोग करने में सहयोग करें, तो ये लोग जल्दी ही ठीक होकर जाएंगे। डी लाइव न्यूज परिवार भी आप लोगों से अपील करता है कि इस वैश्विक महामारी में आप लोग प्रशासन की दी हुई गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें और रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की पालना करते हुए सुरक्षित रहें। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे डी लाइव न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।